तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पर हमें कटा डीटीएन के साथ डिस्कस कर लेता है, डिसीजन खत्म, वो भी कहते कि ठीक है तुमने कंडीशन यहां पे रखी, हम भी अपनी कंडीशन यहां पे रखेंगे। अगर हमारा मेकटा शेव यहां पे जीत गया ना, हाँ तो दो कंडीशन यहां पे पूरी करनी है। सबसे पहली कंडीशन ये कि तुम्हारे सेड के बीच में और हमारे सेड के बीच में दोस्ती, वो जो दोस्ती ना दोस्ती हो जानी चाहिए, प्लस हमको ना हाफ स्टेप चाउस बोर्ड यहां पे चाहिए, जिसके लिए हमारे मेकटा को जिसको तलाश यहां पे थी। हाँ तो सामने से तभी उनके सेड का जो लीडर है ना, वो लीडर आ जाता है और कहता सुनो भाई तुम्हारी जो पहली कंडीशन है दोस्ती वाली वो आराम से पूरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाफ स्टेप चाउस बॉडी, तुमको आइडिया भी है कितना ज्यादा रेयर होता है। ये भी कहता यस आई नो बड़ा रेयर होता है, कोई ऐसा जिंदा बंदा जिसके पास कमाल की डिवाइन बॉडी है उसके मुकाबले उतना रेयर तो नहीं ना होता। यानी समझ जा हमने कोई उतनी भी बड़ी कंडीशन नहीं रखी है, तुम ये कंडीशन यहाँ पे पूरी कर सकते हो। जो सुन दे वो लीडर भी कहता छठी का भाई हम तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे मानते हैं, जब तुमको फाइट करना है हम फाइट करवा सकते हैं। मनी मन सोचता भी मेन मेरा मकसद इसके लिए था फाइट करने का, क्योंकि अगर फाइट में हम जीत जाएंगे तो ये जो लड़का जुओ है ना, हम जुओ को वापस बुला लेंगे। जुओ बड़ा कमाल का, लेकिन उसके पास चला गया, उसका फॉलोवर यहाँ पे बन गया तो मुझे भी अच्छा लगा नहीं है, तो ये कर हम वो कर लेंगे। लेकिन बाई चांस हार गए तो हाफ स्टेप चाउस बॉडीज भी यहाँ पे चल जाएगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हमारा मेकर टेक तो ठीक है भाई, कल ना फाइट यहाँ पर होगा, कल तक ना अपन अपनी पूरी तैयारी कर लेगा। तो जैसे आसपास के बंदे सुनते ना लोग और ज्यादा चौंक जाते, कह रहे भैया पागल वागल है, यानी हमको लगा मिनिमम एक या दो महीने का टाइम यहाँ पे मांगेगा, इसको बस एक दिन का टाइम यहाँ पे चाहिए। हमको लगा इनके सेट में कोई कमाल का जीनियस आया होगा, बुद्धू एक नंबर का यार, घंटा जीनियस, इससे जीनियस तो भाई मेरा कद्दू यहाँ पर है। सामने से अपना मेन कैरेक्टर कहता मास्टर टेंशन ना लो, बुद्धू लोग कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहे। डीटीएन कहता मैं टेंशन किस बात की लेता हूँ, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। सुओ भी देखते जैसा मास्टर वैसे डिसिपल, इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि आराम से अपने कमरे के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ था और हर बंदे की बॉडी में एक गोल्डन कोर यहाँ पर होता है। ये जो गोल्डन कोर यहाँ पे था ना, 50 एपिफनी लगाकर एक तरीका पता करता है जिसमें अपने गोल्डन कोर को ना ये डबल कर सकता है, डबल यानी उसका क्लोन यहाँ पे बना सकता है। जैसे वो जो गोल्डन कोर यहाँ पे क्लोन बनेगा ना, इसका जो बॉडी है ना, इसका बॉडी का भी क्लोन बना सकते हैं। इंश्योर यार इसने 50 एपिफनी देकर क्लोन बनाने का तरीका यहाँ पे पता कर लिया और क्लोन इसका यहाँ पे बन जाता है और ये अटैक यहाँ पे एक्टिवेट करता है। वो जो अटैक है ना क्लोन भी एक्टिवेट करता है, उस क्लोन में भी लगभग उतनी पावर थी जितनी पावर मेरे अंदर थी, सेम टू सेम मेरे जैसा है। हाँ लेकिन मेरे पास ना हाफ स्टेप चाउस बॉडी है और हाफ स्टेप चाउस बॉडी इसके पास यहाँ पे नहीं। अगर इसके पास हाफ स्टेप चाउस बॉडी होती तो जो मेरा लेवल अप करने के लिए मुझे चाहिए ना दूसरा हाफ स्टेप चाउस बॉडी, वो पूरा हो जाता। डोंट वरी, जब बाई चांस उनका कोई सेवंथ लेवल का बंदा भी आ जाएगा ना, हाँ तो भाई मैं अपना क्लोन यूज करूंगा फाइट करने के लिए। अब आते भाई अगले दिन, हाँ जहाँ पे क्या बोलते हैं भाई फाइट करने की बारी आ चुकी थी। ये भी कहते यस जो बंदा यहाँ पे फाइट करना चाहता है आ जाओ। ये नोटिस कहते यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस यहाँ पे नहीं है, कम ऑडियंस है, चलेगा भाई अपने को तो बस फाइट करने से मतलब है। जान चेंग नाम का एक बंदा आ गया था और कहता वेल मैं आगे यहाँ पर आ गया, मैं अपने लेवल पर पूरे सेट में तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे फाइट करो। हमारा मैं कट्टा कहता सुनो ठीक है भाई, मैं ना सामने से बस एक अटैक यहाँ पे करूंगा, एक अटैक, अगर तुम एक अटैक में हार जाओगे तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर भाई एक अटैक में मैं तुमको हरा नहीं पाया तो भाई मैं हार जाऊंगा। हाँ तो जैसे पब्लिक यहाँ पे सुनती वो भी ऐसा हिल जाते, क्या भाई एक अटैक में हराने के बारे में बातचीत करे, सच्ची भाई अकल का अंदर बचपन में ना इसके सर पे पकड़ जोरदार चोट लगा होगा। उसको दो जो लड़का यहाँ पे था वो लड़का अटैक करता है, हमारा मैं कट्टा भी एक अटैक निकालता है और एक अटैक करता है, उसके अटैक से उसकी अटैक की धजिया उड़ती है प्लस उस लड़के की भी धजिया उड़ जाती है। ये भी कहता मैंने कहा था ना एक अटैक में हरा दूंगा और मैंने एक अटैक में यहाँ पे हरा दिया, यानी मैं विनर हूँ, अगले बंदे को बुलाओ। पब्लिक यहाँ पे देख के जाती है हिल की, ओ माय गॉड यार इसने तो सच्ची में एक अटैक में हरा दिया, जबकि वो लड़का ना वो लड़का स्पिरिट सेक्रीफाइस स्टेज पे था और हमारा जो मेन कटर है ना उसने केव हेवन पे अपना पावर रखा था तो भी हरा दिया। यार ऐसा कैसे, यानी सच्ची में इसने चीटिंग नहीं की थी, इसने सच्ची में अपना पावर यूज किया था। फिर सेड का जो दूसरा बंदा यहाँ पे था उसने कहा था मैं अपने लेवल पर तीसरे नंबर पर आता हूँ, तो जो दूसरे नंबर पर आता ना वो लड़का आता वो कहता चेन डाओ मेरा यहाँ पे नाम है ये लो, उतना बोलकर ना एक मेंटल टेक्निक यानी डिवाइन सेंस का अटैक आता है जिससे 2 सेकंड के लिए हमारे मेन कटर के दिमाग पे असर होता है। फिर ये होश में आता है और कहता वो यार मानना पड़ेगा क्या मेंटल अटैक तुम्हारा यहाँ पे था, लेकिन 2 सेकंड से ज्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो लड़का भी कहता है यार मानना पड़ेगा तुम्हारा फिजिकल पावर के अलावा, कल्टिवेशन पावर के अलावा भी तुम्हारा मेंटल पावर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। ये भी कहता है या तुम हटो या तुमसे भी कुछ हो नहीं सकता, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तुम्हारे लेवल का उसको बुलाओ। ये भी कहता है यार अभी तक मैं पूरा नहीं हुआ हूँ और मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, इतना बोल के अपना डिवाइन बॉडी एक्टिवेट करता है जिससे देख सकते पीछे ऐसा फिगर तैयार होता है। हमारा मेक कटा भी वो जो मॉन्क वाला टेक्निक है ना, मॉन्क वाला टेक्निक यूज करता है, उसका जो मॉन्क है ना मुक्का निकालता है और मुक्का निकाल के उसका जो डिवाइन बॉडी था उस पर हमला करके उसकी भी बैंड यहाँ पे बजा देता है, यानी वो भी हार जाता है। हमारा मेक कटा मजाक उड़ाता कि वाओ बेटा वाओ तुम्हारा एंशी डोली लैंड सेट के जो डिसाइपल है उनमें इतना हिम्मत यहाँ पर है कि अटैक में लुढ़क जाते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भेजो यार जिसके साथ में सच्ची में फट करने में मजा आए। और तभी एक एल्डर यहाँ पे था कानों में कुछ तो यहाँ पे कहता लीडर की भाई खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, लीडर भी लाइक है
है, क्या बात करे सच में। और तभी दोनों जो लड़के आए थे, एक तीसरे नंबर पे था एक दूसरे नंबर पे था, जो पहले नंबर का लड़का यहाँ पे था यानी पूरे सेट में स्पिरिट स्टेज पर ये लड़का सबसे नंबर वन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। ये भी कहता साले शयून बहुत ही घमंड तेरे अंदर है, लीडर मेनू परमिशन यहाँ पे दे दीजिए, मैं जाके फट यहाँ पे करूंगा। लीडर कहता भी रहने दो, तुमको जाके फट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, वरना तुम चाहके भी ना जीत नहीं पाओगे। ये भी कहता यार मैंने फाइट यहाँ पे किया नहीं है, बिना फाइट किए आप कैसे बोल सकते हो। तो ये बताता क्योंकि भाई उसने भी अपना लेवल कम किया, तुम सबको लगता है उसका लेवल के वन पर है, नहीं वो स्पिरिट से फर्स्ट लेवल पे कब का जा चुका है और उसके एकदम पीक लेवल पे जा चुका है, तुम चाहके भी जीत नहीं पाओगे। सब लोग चौंक जाते, यानी इसने भी अपना लेवल कम किया था, क्या यार हमको लगा नहीं था, यानी शिट आई डोंट नो हमारा क्या होगा। उसके बाद है ना वो एक एल्डर कहता है लीडर से कि अरे शिट यार हमारे बंदे लोग तो लड़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारे जो सेवंथ लेवल के बंदे क्या उनको ही भेजना पड़ेगा क्या अपना लेवल अप कम करके। ये कहता भाई हाँ ये बुरा लगेगा कि एक डिसाइपल के साथ फाइट करने के लिए तुमने सेवंथ वाले को भेजा था, हाँ तो लाओ या तो भी लाओ फाइट करवाओ, लेकिन इसके बारे में बाहर ना बातें फैलनी नहीं चाहिए। हाँ तो उनके सेट का जो सेवंथ था इयान ईमिंग जिसका यहाँ पे नाम है वो आता, जो कि सेट का हाफ होली सन मतलब सन ऑफ गॉड भी था हमारे मेकटा जैसा, जैसे वो आता पब्लिक का तो माई गॉड यार हमारे सेवंथ यहाँ पर आ गए पक्का ना हम लोग यहाँ पे जीतेंगे। जो अपने डी टी एन था ना वो माइंड टू माइंड कहते हैं इनका ये जो बंदा ना मेरे जनरेशन का यहाँ पर यानी मेरे टाइम का है, लेकिन भैया देखो सेवंथ लेवल पे चल गया और मैं तो इतने लंबे समय से अटका पड़ा था, अभी अभी हाफ सेवंथ पे गया था, अच्छे से ध्यान देना यार इसमें बड़ा दम होगा। हमारे मेकटा कहता है ऐसे ही बंदे की तो तलाश मुझे यहाँ पे थी, यानी अभी अभी ना लड़ाई में असली मजा आएगा, उनके से लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, एक एक अटैक में वो लोग हार जा रहे थे। तो वो जो बंदा था यंग गेमिंग हमारे डी टी एन से, हेलो डी टी एन कैसे हो यार लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। ये कहता भाई मैं तो ज्यादा बढ़िया यहाँ पर हूँ यार, मानना पड़ेगा तू तो भाई मेरे से काफी ज्यादा आगे निकल गया, साले मेरी नसीब खराब था कि भाई मैं तेरे से आगे निकल नहीं पाया। वो कहता हाँ भाई नहीं निकल पाया, मुझे तेरे साथ फाइट करने का मन यहाँ पे था, तेरे साथ फाइट करने का मौका यहाँ पे नहीं मिला था, लेकिन तेरे जो डिसाइपल है तेरे डिसाइपल के साथ आज फाइट करने का मौका मिलेगा। ये कहते यस मौका भी मिलेगा और मेरा डिसाइपल तुझे पक्का हराएगा, अगर मेरे डिसाइपल ने तुझे हरा दिया ना तेरे को दिल में झटका यहाँ पे लगेगा और जो झटका ना इतना गहरा हो जाएगा कि भाई सेवंथ स्टेज के ऊपर जो अगला स्टेज आता निर्वाणा स्टेज तो कभी निर्वाणा स्टेज पर जा नहीं पाएगा। तो सोच ले भाई ये कहता किया करते डिसाइपल से आज मैं हार गया, तो भाई इससे यही साबित हुआ कि भाई मेरे में कहीं ना कहीं कमी है, मैं अभी भी उतना कमाल के यहाँ पे नहीं बना हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वेल यार मैं खुद के ऊपर ध्यान दूंगा, जो भी झटका लगेगा झटके को सॉल्व करूंगा और आराम से अपना लेवल अप करने की कोशिश करूंगा और अपने आप को और भी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, इसलिए हारने या जीतने से मुझे कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। और मैं तो चाहूंगा जो मेरा कल्टीवेशन पावर है ना तू मेरा कल्टीवेशन पावर अपने हाथों से सील यहाँ पे करे, वरना बाद में तू बोले ना कि मैंने चीटिंग यहाँ पे किया। और जो सेक्रीफिशियल स्पिरिट होता है ना वो मैं बिल्कुल भी लड़ाई में यूज करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते सबके सब चौंक जाते कह रही यार तू नहीं करेगा, सब लोग करना चाहेंगे। जो लीडर अपना था ना वो भी कहता भी मजाक करने की बारी नहीं है, स्पिरिट सेक्रीफाइस का जो भी पावर है ना तुमको यूज करना पड़ेगा। ये भी कहता सुनिए मैं सेंत यहाँ पर हूँ, सेंत होकर तुमने फाइट करने के मुझे बुला लिया एक डिसाइपल के साथ, वही मुझे जान के बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन आपने बोला इसके लिए मैं आ गया, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता। डी टी एन भी कहता मानना पड़ेगा सच्चा आदमी यहाँ पर है, इसके लिए चल भाई मैं तेरा पावर यहाँ पे सील करके कम करता हूँ। तो पावर उसका कम कर दिया जाता हमारे मेकटे के बराबर। हमारे मेकटे से कहता चलो भाई तुम ही ना डी टी एन के डिसाइपल, डी टी एन के साथ तो वापस फाइट करने का मौका नहीं मिला, तुम्हारे साथ यहाँ पे मिल गया आ जाओ। हमारा मेकटे देखता है कि वेल यार घमंडी तो नहीं है लेकिन भाई जो शॉफ है ना काफी बढ़िया करता है यार, कहीं भी शॉफ करेगा ना हम दोनों करेंगे, मैंने इसका ज्यादा बढ़िया रहेगा, लोग इस पर ध्यान देंगे मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं देगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।